हमें ये गद्दार करार देते हैं, हमें ये गद्दार करार देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, गुजरावाला का परेशान ना होना ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक डिक्टेटरों ने सियासतदानों को इन्हीं तमगों से नवाजा है। कभी मादरे मिलत फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, कभी हुसैन शहीद सोहरावर्दी को गद्दार ठहराया गया, कभी बाचा खान और मौलवी फजल हक मुल्क दुश्मन करार पाए, कभी मरी कभी मैंगल और कभी बजंजो का दार बने। और जब ये इल्जाम मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल न्याजी ने हुकूमत ढाका में जनरल न्याजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत हमें इस तरीके से हथियार डाले। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुगती या फिर महमूद खान अचकज़ई, जो हमेशा दस्तूर और आईन की बात करता है। और कौन गद्दार है? ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब कायदीन, सब गद्दार है, क्योंकि ये आईन और कानून की बात करते हैं। और मुहिब-ए-वतन कौन है? मुहिब-ए-वतन कौन है? जिन्होंने आईन को तोड़ा, जिन्होंने आईन को रोंद डाला, जिन्होंने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया, ये सब मुहिब-ए-वतन है। मेरे गुजरांवाले के भाइयों और बहनों, तारीख और हकायक बड़े तल्ख हैं, लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन खुददारी के साथ, बराबरी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ, और मुल्क के अंदर भी इज्जत नफ्स के साथ रहना चाहते हैं। हम जमीर के खिलाफ काम करने वाले लोग नहीं है, बाज़मीर लोग हैं, बेजमीर लोग नहीं हम। और फिर मुल्क से बाहर भी, इसलिए जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो हमने उसका जवाब 6 एटमी धमाकों से दिया। लेकिन जब उन्होंने अमन की बात की तो हमने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। हमारे दौर में भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए, आपने अपनी आंखों से देखा, और वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर अपने हाथ से पाकिस्तान के बारे में इंतहाई उम्दा अल्फाज तहरीर किए। कोई जाके विजिटर्स बुक को जाके पढ़े, उसे भारत को पढ़े और फिर बताए कि क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या आज का पाकिस्तान। क्यों आज दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार थी? क्यों हम एतबार इस कदर खो चुके हैं कि हमारे करीबी दोस्त ममालिक भी आज हमारे साथ नहीं है? सऊदी अरब, जो हमारा बहुत काबिल एतमाद दोस्त है, भाइयों से बढ़कर भाई है, क्यों हमने उसे इतना खफा कर दिया कि वो आज हमारी बात, हमसे बात करने को तैयार नहीं है? तमाम तर अकवामे मुत्तहिदा की करारदाद होते हुए भी क्यों हम आज निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ
आवाज उठाने के काबिल नहीं है।